हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज फ्रॉम यूनिट 2 एंड चैप्टर नंबर 4. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट I will show you something. So first I will tell you the story summary of this story. Okay students, so in this story, this is the story about three friends. Okay, this is the story about three friends. Friends, one is the bubble, the straw and the shoe. One day they were passing through a forest. They came near to a river and they did not know how to cross it. Finally, they decided to cross the river with the help of straw. Okay, the straw stretched itself from one side of the bank to the other side. The shoe tried to cross the river first. The shoe landed on the straw and broke it. Bubbles shook and laughter and burst into a big round. So this is the summary of the poem. Now students, now I will show you something. So this is our chapter, the bubble, the straw and the shoe. Okay students, so let's start. What is the bubble? Bubble is the round hollow shape body formed with the liquid. जब आप students soap के water को soap को water में घोलते हो और उसके बाद जब आप उसको एक पाइप से फूंकते हो तो गोल गोल बबल्स निकलते हैं ना, आप उनको बनाते हो गोल गोल बबल ऐसे फूक आप उस स्ट्रॉ से फूक करते हो तो उसमें से साबुन के पानी से बबल्स निकलते हैं, गोल गोल से राउंड राउंड से बबल्स. ठीक है, तो आई विल शो यू व्हाट आर द बबल्स. दिस इज़ द बबल इन दिस बुक. ओके, ये बबल बना है ऐसे राउंड राउंड सा, है ना. ओके, लुक एट हेयर, लुक एट दिस वीडियो. आई विल शो यू द व्हाट आर द बबल्स. ओके, इस पिक्चर में देखिए, ये स्क्वायर के हाथ में क्या है, एक स्ट्रॉ है और वो स्ट्रॉ से क्या कर रहा है, उसने ये नीचे एक गिलास में लिक्विड है और उस लिक्विड से ये ऐसे बबल फुला रहा है. देखो, दिख रहे हैं आपको, ये उसके मुंह से बबल निकल रहे हैं. और व्हाट इज़ द स्ट्रॉ, दिस इज़ द स्ट्रॉ. ये आपको एक कप दिखाई दे रहा है, कप में जो ये पाइप बनी है इसको हम स्ट्रॉ बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी स्टोरी में ये करेक्टर्स हैं, एक बबल और एक ये स्ट्रॉ एंड वन इज़ योर शू. तो एवरी वन नो व्हाट इज़ द शू. आप सबको पता है कि शू क्या होता है, शू दैट वी वियर इन आर फीट. ओके, तो नाउ लेट मैंने आपको इस स्टोरी की समरी बता दी कि ये स्टोरी जो है वो तीन फ्रेंड्स के बारे में है. कौन कौन से हैं वो फ्रेंड्स? वन इज़ बबल, वन इज़ स्ट्रॉ एंड वन इज़ शू. ओके, तो लेट स्टार्ट द स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम
देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू। एक बार की बात है, यहाँ पर रहते थे एक बबल, दिस वन, अ स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ और एक शू। ओके, वन द ए डे, द ए डे व एंड वेंट इन इन टी ओ टू इन टू टी एच ई द फ ओ र एस्ट फॉरेस्ट। ठीक है, फ ओ र फॉर ई एस टी एस्ट फॉर एस्ट फॉरेस्ट। तो एक दिन, वन डे, एक दिन, दे वह वेंट गए इनटू जंग इन अंदर द फॉरेस्ट जंगल में। एक दिन वो अंदर फॉरेस्ट में गए। फिर टी एच ई वाई दे क एम केम टी ओ टू अ र ई व र रिवर। ओके, दे केम टू अ रिवर, वो एक नदी के किनारे आए। ठीक है, दे द इट डिड, आपने फोनिक्स पढ़े हैं ना स्टूडेंट्स, आपको साउंड्स भी पता है, ड ई ड डिड, न ऑट नॉट, न आओ नो के एन ओ डब्ल्यू नो, ह आओ हाओ टू, क र कर, ओ स कर, ऑस क्रॉस, क्रॉस क्रॉस इट। ओके, दे केम टू अ रिवर फुल स्टॉप, वह एक रिवर पर आए। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट, वो नहीं जानते थे कि इस रिवर को कैसे क्रॉस करें। रिवर आपको पता है क्या होती है, रिवर होती है नदी। जैसे हम हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, वहाँ पर गंगा जी है ना, तो दैट इज़ द रिवर, तो गंगा जी को बोलते हैं रिवर। ओके स्टूडेंट्स, तो रिवर होती है नदी। ओके, तो उनको उस रिवर को क्रॉस करना नहीं आता था। टी एच ई द एस एच श ऊ शू स एड स एड सेड द शू सेड बबल बबल ल एट लेट अस फ ल ओट फ्लोट ऑन वाई ओ यू यू बबल लेट्स फ्लोट ऑन यू। तो शू ने बबल से क्या क्या कहा कि क्या हम आप तुम पर तैर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर तैर सकते हैं। व्हाट द बबल सेड, बबल ने क्या कहा, फिर आगे देखते हैं। नो नो शू, तो बबल ने कहा नो, तो शू ने क्या कहा, लेट स ट रो स्ट्रॉ स्ट्र एच स्ट्रेच एच आई एम ह इम हिम स ए ल फ सेल्फ हिम सेल्फ फ र फर ओ म ओम फ्रॉम ओ एन ई वन ब एन एन क ब एंग बैंग टी ओ टू टी एच ई द अ दर अदर फुल स्टॉप। नो बबल ने बोला नो, फिर शू ने क्या बोला, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो शू ने बोला कि चलो स्ट्रॉ जो है वो अपने आप को नदी के बैंक, मतलब नदी का किनारा, बैंक मीन्स नदी का किनारा, तो स्ट्रॉ क्या करेगी कि नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, स्ट्रॉ इस यहाँ से स्टार्ट, स्ट्रॉ ने अपने आप को यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेच किया, स्ट्रेच मीन्स अपने को फैला लिया। ठीक है, जैसे मतलब ये पेन, ये स्ट्रॉ है, मैंने इसको पहले ये ऐसे है, फिर मैंने इसको ऐसे लिटाया तो ये ऐसे फैल गई है ना,
तो स्ट्रॉ ने अपने आप को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला दिया. नेक्स्ट आफ्टर दैट द एंड देन व ई वी क एंड कैन क र ओ स क्रॉस क्रॉस टी एच ई द र ई री व अर रिवर. ठीक है फुल स्टॉप. देन वी कैन क्रॉस द रिवर. तो शू ने बोला कि स्ट्रॉ अपने अपने आप को एक बैंक से दूसरे बैंक तक फैलाएगी और तब हम देन तब वी हम कैन सकते हैं क्रॉस द रिवर. क्रॉस मतलब इसको पार कर सकते हैं. क्रॉस करना मतलब रिवर को एक साइड से दूसरी साइड पर जाना उसको क्रॉस बोलते हैं. ठीक है तो हम उसको रिवर को पार कर सकते हैं. सो द स्ट्रॉ स ट रॉ स्ट्रॉ स्ट्रेच स ट सट र एच्ट स्ट्रेच्ड ह इम हिम स एल सेल्फ हिम सेल्फ फ र ओम फ्रॉम ओ एनी ऑन ब एन क बैंक टी ओ टू टी एच ई द अ द र अदर फुल स्टॉप. अब हम इसको सीधे इंग्लिश में इसकी रीडिंग करेंगे. सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अनदर. तो स्ट्रॉ ने क्या किया, स्ट्रॉ ने अपने आप को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर फिर स्ट्रेच कर लिया. ठीक है देन व एंड वेन टी एच ई द श ऊ शू ज अम यू एम अम यू सेज अ एम सेज म अम प अड एड जम्प्ड जी यू एम जम्प जम्प्ड ओ न ऑन टी एच ई द स ट सट रॉ स्ट्रॉ वेन द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ. जब शू ने स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया, यहाँ पर देखो शू ने यहाँ से स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया. इट बर बर ओक ब्रोक. तो ये क्या हुई, टूट गई. यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, शू ने जंप किया और जो ये स्ट्रॉ है वो पहले ऐसे सीधी थी फिर वो बीच से यहाँ पर टूट गई. ठीक है द टी एच ई द शू फ ए ल फेल E N in T O to the W O T R water W I D with A L O U O U O D loud S P S P L ash A A S H S sup sup splash sup splash splash फुल स्टॉप. इसको आप क्या से बोलेंगे हम, द शू फेल इंटू द वॉटर विथ अ लाउड स्प्लैश फुल स्टॉप. तो शू फेल इंटू द वॉटर, शू फेल मतलब गिर गया इंटू अंदर द वॉटर पानी के अंदर. शू जो था वो जब वो स्ट्रॉ टूटी तो शू पानी में गिर गया विद अ लाउड स्प्लैश. स्प्लैश मतलब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब आप पानी में कभी पत्थर फेंकते हैं तो कैसे छपाक की आवाज़ आती है ना, और पानी ऐसे फैल जाता है. जैसे यहाँ पर देखिए ये पानी कैसे इधर उधर फैल गया है ना, जब हम पत्थर मारते हैं पानी में तो एक छपाक की आवाज़ आती है उसको बोलते हैं स्प्लैश. बहुत ज़ोर से जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं स्प्लैश. तो जो जब शू पानी में गिरा तो एक बहुत ज़ोर से छपाक की आवाज़ आई, छपाक की आवाज आई और शू जो था वो पानी में गिर गया था. ठीक है नेक्स्ट द बबल श ऊ क, जब डबल ओ की साउंड आती है तो बड़े ऊ की आवाज आती है. ठीक है एस एच श ऊ केसेस क श ऊ क शुक ए न ड ए एन एन ड एंड श ऊ क शुक व ई द विद लाफ्टर L after laughter and burst b a r burst burst w it with a
ब इग बिग ब एंग ग बैंग द बबल शुक एंड शुक विद लाफ्टर एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग. जब शू जो था वो पानी में गिरा तो बबल बबल जोर जोर से हंसने लगा. जब हम हंसते हैं जोर से लाफ करते हैं हा ऐसे करके तो हम क्या ऐसे हिल जाते हैं ना हम हंसते हंसते, तो वैसे ही बबल भी जोर जोर से हंस रहा था और क्या हुआ एकदम से वो बस्ट हो गया. जोर से बस बहुत जोर से आवाज़ आई और वो बस्ट हो गया. बस्ट मतलब फट गया बबल. यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में जब वो जोर जोर से हंसने लगा तो वो अपने ही प्रेशर से फट गया, ठीक है, विद बैंग. आपको ये स्टोरी समझ में आई? ये आपको समरी क्या थी कि ये स्टोरी थ्री फ्रेंड्स के एक थ्री फ्रेंड्स की स्टोरी थी जो थे बबल स्ट्रॉ एंड शूज. तो एक दिन वो जंगल में गए, ठीक है, और वहाँ पर उन जंगल में गए वहाँ उन्हें एक रिवर के पास गए वो, तो उन्हें वो रिवर को रिवर कैसे क्रॉस करनी है ये पता नहीं चल रहा था. तो जो उन्होंने डिसाइड किया कि स्ट्रॉ जो है वो अपने आप को स्ट्रेच करेगा रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे पर, ठीक है. तो स्ट्रॉ ने अपने आप को स्ट्रेच किया एक किनारे से दूसरे किनारे पर, ठीक है. तो सबसे पहले शू ने डिसाइड किया कि वो क्रॉस करेगा रिवर स्ट्रॉ के ऊपर. जैसे ही शू ने स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया तो स्ट्रॉ जो थी वो ब्रोक हो गई, टूट गई, और जो शू था वो पानी में गिर गया और एक छपाक की आवाज़ आई उसके गिरने से, ठीक है. तो फिर जब वो गिरा तो उसको देखकर जो बबल था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, ठीक है, और हा करके ऐसे ज़ोर से हंसने लगा. जब हम ज़ोर से हंसते हैं तो हम भी पूरा हिलते हैं ना, तो वो जो बबल था वो क्या हुआ अपना ऐसे हंसते हंसते ज़ोर से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और वो फट गया, है ना. तो ये स्टोरी की समरी थी. अब स्टोरी से रिलेटेड मैंने आपको इसमें हार्ड वर्ड्स दिए हैं स्टूडेंट्स, तो अभी एक रिवाइज करते हैं कि हार्ड वर्ड्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज ब अ ब ल बबल बी यू डबल बी एल ई बबल, ठीक है स्टूडेंट्स. मैं आपको फोनिक्स के साथ भी रीड करवा रही हूँ और नॉर्मल भी आपको अल्फ़ाबेट के इसमें भी बता रही हूँ, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है. देन स ट सट रॉ आर ए डब्ल्यू रॉ सट रॉ स्ट्रॉ, ठीक है. ब एन क बी सेज ब ए एन एन के सेज क, तो ब एन क बैंक. श शू एस एच ओ ई शू. स्टूडेंट्स सम वर्ड्स जो होते हैं वो साइट वर्ड्स होते हैं, तो उन वर्ड्स को हम वैसे ही बोलते हैं, उनकी कोई फोनिक साउंड नहीं होती है, जैसे शू. ओके नेक्स्ट स ट सट रेस्ट आर ई रे टी सी एच एच स्ट्रेच. ओके ज जे सेज ज यू एम यू सेज अ एम सेज म पी सेज प, तो ज अ म प ज अम प जम. ओके र ई व र री वर रीवर. ओके नेक्स्ट इज स प सप लै श स एस पी सप ल ए लै एस एच श स्प्लैश. ओके ब ए एन एन ग बैंग ब एन ग बैंग ब अ स्ट बस्ट ब अर स्ट बस्ट. ओके तो दीज आर द हार्ड वर्ड्स. ये आपको अपनी कॉपी में इस तरह से ही करने हैं. नाउ हेयर आर सम वर्ड मीनिंग्स. ओके द फर्स्ट वर्ड इज बबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बबल? बबल इज राउंड हॉलो शेप्ड बॉडी फॉर्म्ड विद लिक्विड. मतलब लिक्विड से एक गोल शेप की
शेप में वो बनता है, एक शेप बनती है, उसको हम बबल बोलते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था कि बबल क्या होता है. ओके, नेक्स्ट इज बैंक, ब एंक बैंक. द साइड ऑफ द रिवर नियर द लैंड, नदी के किनारे जो ज़मीन के पास नदी की साइड्स होती हैं उनको बैंक बोलते हैं. ठीक है, जब आप गंगा जी में जाते हैं तो साइड में आप खड़े होते हैं जहाँ पर रेत रहता है उसको बैंक बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रॉ. स्ट्रॉ अ थिन हॉलो ट्यूब ऑफ प्लास्टिक और फॉर सकिंग ड्रिंक, फॉर सकिंग ड्रिंक. ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रॉ आपने देखी है, जब आप जूस लाते हैं, आप फ्रूटी पीते हैं तो उसके साथ आपको एक पाइप भी देते हैं ना शॉपकीपर, तो उसी को स्ट्रॉ बोलते हैं जिससे आप ड्रिंक को सक करते हैं. सक मतलब अपनी तरफ खींचते हैं, जिसको ड्रिंक उसमें फ्रूटी की स्ट्रॉ को आप फ्रूटी में डिप करते हैं और फिर उसकी दूसरी साइड से आप अपनी स्ट्रॉ को सक कर ड्रिंक को सक करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज रिवर. अ मूविंग वाटर बॉडी, मूविंग वाटर बॉडी मीन्स ऐसा बहता पानी, जहाँ पर बहता हुआ पानी होता है, जहाँ जिस जगह उसको रिवर बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज बर्स्ट. बर्स्ट टू ब्रेक ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, मतलब कि अपने अपने ही प्रेशर से फटना. ब्रेक बर्स्ट मतलब अपने ही प्रेशर से फट जाना. आपने क्रैकर्स को देखा है, पटाखे देखे हैं, वो कैसे फटते हैं, तो उस वैसे ही बर्स्ट. ओके, क्रॉस मतलब गो थ्रू पार करना, जैसे नदी एक एक जगह से दूसरी जगह को क्रॉस करना. ठीक है, स्प्लैश अ यूनिक साउंड ऑफ वाटर, जब कुछ पानी में हम पत्थर फेंकते हैं या कोई पानी में जंप करता है तो एकदम से छपाक की आवाज़ आती है, एक अलग सी आवाज़ होती है. यूनिक साउंड मतलब अलग सी साउंड आती है, उसको बोलते हैं स्प्लैश. ओके, शू द फुटवेयर, शू सबको पता है, जो हम अपने पाँव में पहनते हैं उनको शू बोलते हैं. ओके, फ्लोट टू मूव स्लोली ऑन वाटर, जब पानी के ऊपर कुछ धीरे धीरे से तैरता है तो उसको फ्लोट बोलते हैं. जैसे आप ऋषिकेश जाते हैं, आप शिप बोट में बैठते हैं तो वो बोट जो है वो पानी के ऊपर क्या करती है, फ्लोट. फ्लोट मतलब तैरना. ओके, स्ट्रेच एक्सटेंड और स्प्रेड ओवर एन एरिया और पीरियड ऑफ टाइम. एक्सटेंड मतलब अपने आप को बढ़ाना, स्प्रेड या फैलाना ओवर एन एरिया, किसी जगह के ऊपर और या किसी टाइम पीरियड के लिए. ठीक है, तो दीज आर सम वर्ड मीनिंग, तो डू इट इन योर नोटबुक, लिट नोटबुक. ओके, तो हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग. एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ वॉच द वीडियो ऑफ द दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर स्टोरी एंड वर्ड मीनिंग एंड ऑल. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.